नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड में शुक्रवार को एक हमलावर ने क्राइस्टचर्च शहर में स्थित अल नूर मस्जिद में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में कम से कम 49 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हमले के कारण न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच 16 मार्च से खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। हमले से आहत टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ये घटना बेहद चौंका देने वाली और दुखद है। क्राइस्टचर्च में इस कायरतापूर्ण घटना से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है। बांग्लादेश टीम अच्छे से रहे और सुरक्षित रहे। आईसीसी ने भी हमले के बाद न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच तीसरे टेस्ट मैच के रद्द होने का पूरा समर्थन किया है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड रिचर्डसन ने कहा, क्राइस्टचर्च में हुई इस भयावह घटना से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके परिवारों और मित्रों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। दोनों टीमें, स्टाफ और मैच अधिकारी सुरक्षित हैं और आईसीसी टेस्ट मैच के रद्द किए जाने के फैसले का पूरा समर्थन करता है। वहीं दूसरी तरफ हमले के बाद सोशल साइट्स पर इसकी खूब निंदा हो रही है। खिलाड़ियों ने इसे अविश्वसनीय माना। ऐसा भी कहा गया कि न्यूजीलैंड जैसा देश, जो कि विश्व में शांति के लिए जाना जाता है, वहां ऐसा हमला होना बेहद निंदनीय है। बड़ी बात यह है कि जब यह खूनी खेल हुआ, तब न्यूजीलैंड दौरे पर गई टेस्ट सीरीज खेल रही बांग्लादेश टीम के सदस्य भी उसी मस्जिद में जा रहे थे। बांग्लादेशी टीम मैनेजर ने कहा कि हम मस्जिद की ओर जा रहे थे, तभी हमने खून से लथपथ लोगों को बाहर आते देखा। हम गोलियों की आवाज सुनकर फौरन उल्टे पांव लौट आए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिक 7 की ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस आप लाइक ऐप पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर लाइक ऐप को डाउनलोड करना है और लाइक ऐप पर क्रिक 7 को फॉलो करना है। धन्यवाद।